देखिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है थीटा के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ जाएगा डी एक्स बटा में डी थीटा बराबर, ए कॉन्स्टेंट है, कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन, तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करते चलते हैं, माइनस का साइन थीटा प्लस यू इंटू वी पे, तो थीटा का वन साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, प्लस थीटा को वैसे रखे साइन थीटा का कॉस थीटा, डी एक्स बट्टा में डी थीटा, यहाँ देखो इससे यह कट जाएगा, साइन थीटा ही ना है, तो ए थीटा कॉस थीटा, यह आया समीकरण ए। उसी तरह से चूंकि वाई बराबर में दिया है ए साइन थीटा और माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है, तो चलिए अब इसे भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, क्या हो जाएगा डी वाई बटा में डी थीटा बराबर ए साइन का यहाँ पे कॉस हो जाएगा कॉस थीटा माइनस, इन दोनों को यू इंटू वी पे करेंगे, तो थीटा का वन कॉस थीटा वैसे ही, और प्लस थीटा को वैसे रखे साइन कॉस का माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा, ठीक है। चलिए अगला स्टेप देखते हैं क्या होता है, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बटा डी थीटा बराबर में ए ब्रैकेट में कॉस थीटा, ये ब्रैकेट हटाते हैं, माइनस का कॉस थीटा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थीटा साइन थीटा, ठीक है, यह इससे कट जाएगा, यानी कि डी वाई बटा में डी थीटा जो आया ए थीटा साइन थीटा आ गया, समीकरण एक में, समीकरण दो में समीकरण एक से भाग कर देते हैं, समीकरण दो में समीकरण एक से भाग देने पर, एक से भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं, क्या हो जाएगा डी वाई बटा डी थीटा और बटा में डी एक्स बटा में डी थीटा बराबर में आएगा ए थीटा साइन थीटा और बटा में ए थीटा कॉस थीटा, तो देखो ये ए थीटा कट जाएंगे, डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, तो डी वाई बटा में डी एक्स जो हो गया साइन बटा कॉस टेन थीटा हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए अगला लास्ट